हमारे साथ स्मृति दीदी पहुंचे हैं। देखो टाइम का वजह से भी, उनका जल्दी का टाइम, हमारा रात का टाइम, फिर भी दीदी अपना कीमती समय त्याग करके हमारे सामने मौजूद है। तो दीदी ये सब जो यहाँ पे मैं हूँ हेमा बेन, अनुभूति रिट्रीट सेंटर, और हाँ जी, यहाँ जो भी आप हमारे विशेष आत्माएं देख रहे हैं वे सारे यूएसए से हैं। जब से कोविड शुरू हुआ तब से उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया है। तो जी हमारी जो स्मृति दीदी हैं वैसे तो बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ज्ञान में हैं। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि अगर पेरेंट्स अच्छा रोल मॉडल बनते हैं ना तो बच्चों को इंस्पिरेशन होता है। हमने इतने सालों में देखा है या तो बच्चे ज्ञान में चले हैं नहीं तो स्नेही सहयोगी अवश्य बने हैं। तो पेरेंट्स के कारण वो ज्ञान में चले। वैसे तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी डिग्री की है। फिलहाल वो गीता प्रेस जो गोरखपुर है उसका उसके वो इंचार्ज है। और दीदी 2014 से इशु दादी की सेवा में है। तो छोटेपन में ही उसको बाबा के ज्ञान का टच हुआ तो इस ज्ञान में वो चल पड़े हैं। और सच में दीदी एक सेल्फ निस्वार्थ सेवा का वो एक, मैं समझती, एक प्रतीक है। तो आज दीदी निस्वार्थ सेवा क्या होती है उसके बारे में हमको सुनाएंगे। सो थैंक यू दीदी आने के लिए। ठीक है, तो दीदी आप आराम से 1 घंटा ले सकते हैं। इसके बाद यदि उनको कुछ क्वेश्चन आंसर है तो देख लेते हैं, नहीं तो आपके इसके बाद आपको जैसे इंस्पिरेशन आवे 15 मिनट आपको मेडिटेशन कराना है। तो यहाँ का टाइम 5:30 बजा है, 22:07 बजे 1.5 घंटे में पूरा करना है। ठीक है, ओके, ओम शांति। आप सभी का सर्वप्रथम वेलकम है गोरखपुर, है ना? हमारा गोरखपुर जहाँ पड़ता है भारत में, यूपी, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, और जहाँ हम सेवा दे रहे हैं वर्तमान में वो गीता प्रेस एरिया है, जगह है। गीता प्रेस अगर आप सभी को मालूम होगा तो बाबा की मूर्ति में जो रोज आता है ना, गीता का भगवान है ना, श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, इसको अच्छे से हमें प्रूफ करना है। तो ये जो गीता प्रेस है यहाँ से ही पूरे वर्ल्ड में है ना, श्रीमद् भागवत गीता जो बुक छपती है उसका मेन जो ओरिजिन जो प्रेस है वो यहाँ गीता प्रेस में ही है। तो बस वहां से ही है ना ये सेवा या ये सेवा केंद्र हम यहाँ आके संभाल रहे हैं। और दीदी का भी थैंक्स है हमारे कविता दीदी का कि उन्होंने मेरे को इतना सुंदर सेवा का चांस दिया, मौका दिया, सुअवसर दिया आप सभी से भेंट करने का, वर्चुअली अमेरिका पहुंचने का। ये हमारा परम सौभाग्य है, तो थैंक यू। और आज का जो विषय है कि निस्वार्थ सेवा है ना, ये एक्चुअली बहुत गहरा है विषय, सब्जेक्ट। सेवा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ सेवा जो बाबा कहते हैं उस पे हमें खास अटेंशन देना है। ऐसे अगर देखा जाए तो निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ और सिर्फ बाबा ही है, लेकिन हम सब आत्माएं भी बाबा के इस रुद्र महायज्ञ से जुड़े हैं, है ना? शिव बाबा आया ही है ना, विश्व का भाग्य विधाता बाबा आया ही है हम सबका भाग्य बनाने के लिए। और भाग्य बनाने के लिए ही उन्होंने है ना रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, है ना? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपना तन मन धन से सेवा देकर हम खुद का भी भाग्य बनाते हैं और साथ साथ अनेकों अनेक आत्माओं के भी भाग्य के सितारे को हम चमकाते हैं। तो ये जो समय चल रहा है विशेष पुरुषोत्तम संगम युग, इस संगम युग पर ही हम ये सेवा का भाग्य प्राप्त करके अपना पद्मा पदम भाग्य भविष्य 21 जन्म, तो बाबा खास कहते हैं, हम जमा कर लेते हैं। और बाकी तो हमारा
पूरा कल्प ही बाबा के भाग्य है ना, बाबा जो हमें भाग्य जो हमें देता है वो पूरा कल्प ही हमारा पूरा भाग्य बनता है, जमा हो जाता है। ये तो हमारा बहुत बड़ा बहुत सुंदर भाग्य है, सबसे पहला कि बाबा हमें मिला है ना, ये सबसे पहला हमारा ऊंचा भाग्य है कि हम है ना पूरे विश्व की अगर हम स्टेज पे हैं तो कितनी करोड़ों आत्माओं के बीच में बाबा ने हमें चुना है। कोटों में कोई है ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं और बाबा ने चुना, हम निश्चय बुद्धि बन गए है ना। निश्चय बुद्धि के साथ साथ श्रेष्ठ बुद्धि भी बाबा हमें देता है, दिव्य बुद्धि भी बाबा देता है। तो ये जो चांस है हमारा भाग्य बनाने का, इस भाग्य में अगर हम सेवा कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, बाबा जो हमें कहता है ना, चार विषय हैं हमारे इस ज्ञान के, ज्ञान योग धारणा और सेवा। तो सेवा भी हमारा ब्राह्मण जीवन का श्वास है ना। अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं यानी हम अपने लाइव मतलब लाइव नहीं है, जीवित नहीं है, जैसे मुरली को बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है, तो हम जितना भी ज्ञान योग का हम पुरुषार्थ करते हैं या धारणाएं हम लाते हैं, फिर हम इन इन तीनों की जो इम्प्लीमेंट है हमारे जीवन में, वो सेवा से दिखाई देती है कि कितने हम ज्ञानी तो योगी आत्माएं हैं या कितने धारणा मूर्त हम बने हैं, वो सेवा हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण बन जाता है। क्योंकि सेवा के स्टेज पे जब होते हैं तो हम सिर्फ अकेले ही सेवा नहीं कर रहे होते हैं, हमारे साथ एक अच्छी टीम होती है सेवा के लिए, या हम उस टीम के एक सदस्य होते हैं, एक सेवा साथी होते हैं। या बाबा देखिए, हमें बाबा कहते हैं ना कि हम बाबा के उन 1,000 भुजाओं में से एक भुजा बन जाते हैं इस यज्ञ की सेवा के लिए, या अनेकों अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने की सेवा हो उनका, या खुद का भाग्य बनाने का सेवा हो। तो इतना सुंदर कंट्रीब्यूशन बाबा ने एक भाग्य के रूप में, एक सौभाग्य के रूप में, एक मौका अपॉर्चुनिटी हमें बाबा ने दे रखा है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा सेवा का चांस है, ये ब्राह्मण जीवन का श्वास है ना। अगर देखें कि स्थूल में अगर हम देखें कि अगर हम श्वास नहीं लें तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं है ना, शरीर ही डेड हो जाता है। ऐसे ही ये ब्राह्मण जीवन जो है, इस ब्राह्मण जीवन में अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो खुशी, वो सुख, वो है ना, वो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सेवा हमारा एक सुंदर ऐसा माध्यम है, चाहे लौकिक दुनिया में हो या फिर हम अलौकिक दुनिया में हो, इससे हम अपने भविष्य है ना सुख में भरपूर हो जाते हैं, भविष्य सुख की प्राप्ति करते हैं, दुआओं का खाता जमा कर देते हैं है ना। कहते हैं ना कि ये समय जो चल रहा है, हमारी बड़ी दादी जानकी दादी जी कहते थे ना, ये जो संगम युग का जो समय है ये दुआएं जमा करने का सीजन है। तो ये वही अमूल्य समय चल रहा है कि हम निस्वार्थ सेवा करके दुआएं जमा कर सकते हैं। सिर्फ एक ये दुआएं ही हैं जो आत्मा के साथ जाती हैं है ना, वो संस्कार के रूप में, वो श्रेष्ठ भाग्य के रूप में जो हमारे आने वाले कई जन्मों को श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ बनाती हैं, निर्विघ्न बनाती हैं, सुखी बनाती हैं। तो ये जो था हमारा है ना, ये जो हमारा था कि ये जो भाग्य है ना, इस भाग्य को हम और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो सेवा का भाग्य है, सेवा में कहते हैं ना, करो सेवा तो मिले मेवा है ना। मेवा कौन सा मिलता है हमें,
है ना, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। मेवा जो हमें मिलता है वो खुशी का मेवा मिलता है, अगर हम है ना हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी है ना मन उदास है, परेशान है, या मन को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी बात का अगर हमें थोड़ा सा तनाव है, तो उस समय हमें उस स्थिति से निकलना है, उस परिस्थिति से निकलना है। तो अगर बाबा की याद में भी हमें उतना मन नहीं लग रहा है, संकल्पों के तूफान आ रहे हैं, तो उस समय अगर हम सेवा करते हैं बाबा की याद में, उस याद से जो सेवा का जो हमें सुख मिल रहा है, या वो सेवा से जो हम औरों को सुख दे रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष फल, उसका प्रत्यक्ष मेवा हमें खुशी प्राप्त होती है ना, जो खुशी हमारे जीवन को और ही ज्यादा आगे बढ़ाती है, मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है ना। आप सभी को अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं आप सभी अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि जब हम सेवा करते हैं, है ना, अगर हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सेवाओं में व्यस्त हैं, तो कहीं ना कहीं हम पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से भी मुक्त होते हैं, है ना। अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमारा बुद्धि इधर उधर व्यस्त है फालतू की बातों में, है ना। बाबा जो मुरली में खास कहते हैं, व्यर्थ की चिंतन में, व्यर्थ या वाहियात बातों में नहीं लगाना है। तो अगर उससे हमें मुक्त होना है, तो अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेवाओं में भी व्यस्त जरूर करना है। तो सेवा एक अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन जाता है, जहां हम व्यर्थ से या पर चिंतन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम सेवा किसकी कर रहे हैं, बाबा की कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ की कर रहे हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं जो भावी भविष्य हमारे देवी देवताएं बनने वाले हैं। तो ये जो अगर हमारा सुंदर संकल्प, सुंदर विचारों के साथ जब हम सेवा करते हैं, तो हम तमाम पर चिंतन, व्यर्थ की चिंतन की बातों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि बाबा से हम कनेक्ट हैं। तो बाबा से कनेक्ट होने के कारण है ना सेवा का भी भाग्य हमारा जमा हो रहा है, और साथ 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 जो हमारे पुराने विकर्म है, पाप कर्म है, वो भी हमारे चुकतू होने शुरू हो जाते हैं। और बाबा की सेवा बाबा की याद में कर रहे हैं, तो कोई भी विकर्म या पाप कर्म करने की माजिम भी नहीं रहती है। ये भी एक हमारा सुंदर है ना अपॉर्चुनिटी है ना। सेवा का इतना गहरा हमें महत्व मिलता है। सेवा ही हमारी क्या है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म को दग्ध करती है। जो भी हमारे है ना, देखिए हमारी जो एक यात्रा जो शुरू होती है, सतयुग से शुरू होती है ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसे कोई भी विकर्म या पाप कर्म तो नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे ही द्वापर आता है, आत्मा की डिग्निटी कम होने लगती है, तो वो डिग्निटी कम होने के कारण विकारों के प्रभाव में या विकारों की प्रवेशता होनी शुरू होती है, और उस विकारों के प्रभाव में आत्मा जब कर्म करती है, वो विकार का या धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा की पावर या बैटरी डाउन होने लगती है, तो वो पाप कर्म में भी आना शुरू हो जाता है। यानी जो हमारी आत्मा की जो कला थी, वो गिरती कला में आ जाती है, उतरती कला शुरू हो जाती है। उस उतरती कला को है ना, उस उतरती कला को अब चढ़ती कला में लाना है। तो जितना हम सेवा में अपना समय सफल करते हैं, तो सेवा से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विकर्म दग्ध होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा विभिन्न शरीर के द्वारा ही कर्म करती है। कर्म हमारे विकर्म में भी आते हैं और पाप कर्म में भी आते हैं। तो उन विकर्मों और पाप कर्मों को दग्ध करने के लिए बाबा की याद तो है ही, बाबा की याद से आत्मा पावन बननी ही है ना। आत्मा में जो अलाई है ना, वो क्लीन होने ही है, आत्मा सच्चा सोना बनेगी ही, लेकिन सेवा से हमारी कर्मेंद्रियां भी पवित्र बनने लगती हैं। हम जिस माध्यम से सेवा करते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर हमें
बाबा के घर में है ना मुरली सुनाने का सुअवसर प्राप्त होता है, कोर्स कराने का सुअवसर प्राप्त होता है, या फिर किसी पॉइंट पे किसी को भी हमें संतुष्ट करना है, अगर उसके लिए भी अगर हमें चांस मिलता है तो उससे क्या होता है, अगर हम और गहराई में जाएं तो हम पहले से हम उसके लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, तैयारी करते हैं उस विषय पे, उस टॉपिक पे, या मुरली को भी पढ़ के हम मनन चिंतन करना शुरू करते हैं, जिससे बुद्धि भी चर्निंग करना शुरू करती है। मनन चिंतन करने से बुद्धि भी श्वेष्ठ बननी शुरू होती है, फिर हमारी आंखें, हमारी है ना, हमारे नयन, हमारी आंखें, हमारे बोल, ये सब भी श्वेष्ठ होने शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर हम दूसरा उदाहरण दें कि यज्ञ में स्थूल सेवा के भी अगर हमें चांस मिलता है या भाग्य मिलता है, यानी हम जो कर्मणा सेवा जो करते हैं, इस कर्मणा सेवा से भी हमें बहुत सुख मिलता है ना, शरीर हमारा कंचन काया बनना शुरू होता है, जो शरीर की तकलीफ है, व्याधि है, वो भी उस बाबा की यज्ञ की सेवा करने से वो शरीर की व्याधि भी तकलीफ भी मिटने लगती है, शरीर हमारा स्वस्थ होने लगता है। जितना ही हम इस यज्ञ सेवा में मन को अपने इन्वॉल्व करते हैं, है ना, मन से, है ना, सच्चे मन से हम जितना बाबा की यज्ञ की सेवा करते हैं, कि कैसे और हम अपने आप को बाबा की यज्ञ में, है ना, कहते हैं ना कि सफल करना, हर तरीके से अपने आप को सफल करना, तो जितना हम मन से भी जुड़ते हैं तो हमारा मन भी सुमन होने लगता है। मन में जो व्यर्थ के ख्यालात या पर चिंतन या मूंज जो होती है या जो कंफ्यूजन होती है, जो एक चिड़चिड़ापन आता है, वो सब भी हमारी स्वभाव में, संस्कार में बहुत सुंदर हमें परिवर्तन स्वयं में महसूस होने लगता है। बाबा की यज्ञ की सेवा करने से हमें विशेष विशेषताओं का वरदान मिल जाता है, या उस कार्य में हम परफेक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं, कहीं ना कहीं उसकी हमें मास्टरी मिल जाती है। बाबा जो हमें, है ना, क्योंकि देखिए हम कोई भी चांस मिला, पहली बात है कि हमें हमेशा हाजी का पार्ट प्ले करना होता है। जितना हम हाजी करते हैं तो हम दुआओं को जमा कर लेते हैं, दुआ हमारे जीवन में भरपूर होने लगती है, हमारे भाग्य में जमा होने लगती है, तो कहीं ना कहीं ये जो दुआएं हैं वो हमें आगे बढ़ाती ही हैं, निर्विघ्न रहती हैं, कोई भी समस्या परिस्थिति हमारे आगे लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। तो ये जो सेवा है ना, सेवा से हम ऑलराउंड भी बनते हैं, है ना, जरूरी नहीं कि हमें हर सेवा आती ही हो, है ना, जरूरी नहीं कि हमें हर सेवा आती ही हो, लेकिन अगर हमें कोई चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उसमें अगर हम हाजी करते हैं, है ना, या एक बहुत युक्ति युक्त कहते हैं कि दीदी आप हमें एक बार बताइए और हम उसको करते हैं, मेरे को आ जाएगा, अगर इस विधि से भी अगर हम उनको हांजी बोलते हैं, ऐसे नहीं कि सीधे, है ना, दीदी ने कहा या कोई बड़े ने बताया कि हाँ आपको ये सेवा करनी है और हमने तुरंत कहा कि ये सेवा तो हमने कभी की ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ या मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकूंगा, अगर हमने इन शब्दों का भी प्रयोग किया तो आने वाले पद्मा पदम भाग्य से, मौके से, है ना, हम वंचित हो जाते हैं, भले हमने नहीं किया है, लेकिन अगर हमारी चाहना है सीखने की, करने की, अपना भाग्य बनाने की, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप बताएंगे तो हम जरूर ऐसा करके दिखाएंगे। तो इस आशा से अगर आप बोलते हैं तो सामने वाले को भी खुशी होती है कि इनकी दिल है बाबा की यज्ञ की सेवा करने की, तो वो आपको ऑफर भी करते हैं, आपको सिखाते भी हैं, और आप उस कार्य में बहुत सुंदर महारत भी हासिल करने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम ऑलराउंडर बन जाते हैं। एक बहुत सुंदर हमें है ना उदाहरण याद आ रहा है साकार बाबा के समय का, हमारी जो निर्मल शांता दादी जी थे, है ना, उस समय तो संसाधन बहुत नहीं थे, हमारे
हमारा यज्ञ की एकदम इनिशियल शुरुआती स्टेज थी, तो उसमें हर कार्य हर यज्ञ सेवा हमारे जो बाबा के बच्चे थे ब्रह्मावत से, है ना, उन्हों को ही करनी होती थी, हर कार्य वही करते थे। सामने से कोई ऐसा कि किसी को बाहर वाले व्यक्ति को बुला के हमें यज्ञ सेवा करानी है, ऐसा नहीं होता था। तो एक बार साकार बाबा ने, है ना, हमारी निर्मल शांता दादी जी को कहा कि आपको, है ना, बूट सिलने हैं, है ना, बूट तो समझते हैं ना, चप्पल या जूते सिलने हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो हमने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो बाबा की ये बच्ची ही थी निर्मल शांता दादी जी, और बहुत ही अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत सुख से पली हुई थी, माना उनके पालना में बाबा ने कोई कमी नहीं रखी थी। उनके पीछे दो उनके स्टाफ होते थे जो उनकी बहुत केयर करते थे, माना उनके बालों को झाड़ना, उनके साथ साथ रहना, कोई भी कार्य करना है वे स्वयं नहीं करते, लेकिन उनके दो स्टाफ जो होते थे वो करके देते थे। लेकिन जब समय परिवर्तित हुआ, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, और जब एक छोटी सी सुंदर सी ओम मंडली का निर्माण हुआ, तो जो भी वहां पे ब्रह्मा वत्स थे जो समर्पित हुए, उन्होंने को ही यज्ञ के संचालन में हर एक यज्ञ की सेवा करनी होती थी। तो जब बाबा ने उन्हें कहा कि आपको बूट सिलने हैं, तो दादी जी ने कहा कि बाबा मैं तो ऐसे भी कोई काम तो की नहीं हूँ, मुझे किसी भी चीज की आदत नहीं है, फिर भी मैं कर तो रही हूँ, लेकिन बूट सिलना ये तो मेरे को आता ही नहीं है, है ना, ये मैं कैसे कर सकूंगी। तो बाबा भी बहुत युक्ति से उनको सब बताए कि आप विश्व के महारानी बनने वाले हो, विश्व महाराजन बनने वाले हो, और आपको बूट सिलने ना आए, ये कैसे हो सकता है ना। माना अगर हमें विश्व महाराजन या विश्व महारानी बनना है, या सत्ययुग में हमें ऊंच घराने में आना है, तो हमें हर सेवा आनी जरूर चाहिए, ऑलराउंडर, यानी अगर हमें यज्ञ में भोजन बनाने की भी सेवा मिल रही है, या यज्ञ की सफाई करने की भी सेवा मिल रही है, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम, है ना, हर तरीके की सेवा में हाजी कर सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ प्रवचन ही करना है, या कोर्स ही कराना है, या ऑफिशियली इस तरीके की सेवा करनी, लेकिन अगर हमें क्लीनिंग में, बाबा के यज्ञ की सेवा में, अगर हमें झाड़ू पोछा करने की भी सेवा का चांस मिले, तो ये भी अहो सौभाग्य है। क्योंकि बाबा कहते थे कि आप सिर्फ फ्लोर की सफाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने भाग्य को चमका रहे हो, है ना, आप, है ना, बाबा के यज्ञ की फ्लोर यानी घर की सफाई ही नहीं कर रहे, लेकिन अपने सुंदर किस्मत, अपने भाग्य को भी चमका रहे। कोई भी सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती है, है ना, हर सेवा में सुख समाया हुआ है। अगर हम देखें अपने यज्ञ में, जो एक ने आज जो हमारे वरिष्ठ महारथी जो भाई हैं, बड़ी बीवियां हैं, अगर उनके अनुभवों को भी हम सुने कि आज वो इस स्टेज का कैसे पहुंचे, उनका इनिशियल जीवन ब्राह्मण जीवन में क्या रहा, कैसे रहा, तो आप ऑलमोस्ट सभी का एक देखेंगे सिमिलरिटी जो होती है, वो बाबा की यज्ञ सेवा, स्थूल सेवा से ही शुरू होती है, जिसमें रसोई बाबा के भंडारे की सेवा हो, चाहे खाना बनाने की हो, बर्तन धोने की हो, चाहे, है ना, सर्विंग करने की हो, या बाबा के यज्ञ की क्लीनिंग करने की हो, उन सेवाओं से ही कहीं ना कहीं हमारा भाग्य चमकता है, भाग्य बनता है। एक और इसमें बहुत सुंदर बात याद आती है कि यज्ञ सेवा से हम देह अभिमान से भी मुक्त होने लगते हैं। हर एक फैमिली, हर एक आत्मा का अपना अपना बैकग्राउंड होता है, हर कोई अपने घर में बहुत सुख से, बहुत प्यार से, है ना, अपने माता पिता के, है ना, नजरों में
पला है, बढ़ा है, लेकिन जब हम बाबा के घर में आते हैं तो जब हमें इस तरीके की सेवा मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे ख्यालात चलते हैं, अरे ये सेवा तो कभी हमने घर में भी नहीं की जो हमें यहाँ करना पड़ रहा है। फिर हमारे कभी कभी संकल्प भी चलने लगते हैं कि क्या हम यज्ञ है ना इसीलिए आए हैं कि हमें ये सेवा मिलेगी या ये हम सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन ये हमारा ख्याल अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए जितना हम बाबा के यज्ञ में जितना हम भूमिगत रूप से जब हम सेवा देते हैं या उससे जुड़े होते हैं तो जो सुख हमको मिलता है उसके पहले वो जो हम कार्य कर लेते हैं, जो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण आत्माओं को, ब्राह्मण परिवार को जो सुख मिलता है उस सुख का एवजा हमें कितना प्राप्त होता होगा। किसी ने कोई कार्य कहा, ऑफर किया, हमने हाँ जी करके उसको बहुत प्यार से है ना दिल से स्नेह से अगर हम वो सेवा करते हैं तो हम किसको किसको संतुष्ट करते हैं, हम उस आत्मा को संतुष्ट करते हैं जिसने हमें चांस दिया, हम उसको संतुष्ट करते हैं वो उस करण करावन हार शिव बाबा को, उसने जो मौका दिया और ये जो भाग्य बना उससे हमें खुद को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। कहते हैं ना तीन सर्टिफिकेट के बाद जो बाबा हमें मुरली में जो बताते हैं है ना, सेल्फ का स्व सर्टिफिकेट हमें लेना है, परिवार का लेना है और बाबा का लेना है, तो ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमें इस सेवा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। ये हमारा अगर हम देखें, अगर हम कभी एकांत में चिंतन करें तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इतना सुंदर बाबा ने हमें चांस दिया है। किसी भी तरह की सेवा हो, चाहे ऑफिशियल बाहर की सेवा हो अप एंड डाउन की, या फिर अंदर रहकर यज्ञ की सेवा हो जिसमें तन मन धन तीनों की इन्वॉल्वमेंट है, अगर हम इन तीनों है ना किसी स्थिति में परिस्थिति में तन से मन से या धन से सेवा नहीं कर पा रहे तो एक सेवा है हमारी मनसा सेवा। जितना हम योगी आत्मा बनते हैं, ज्ञानी तो योगी आत्मा बनते हैं, इस योग की शक्ति से हम वातावरण को, लोगों है ना खुद की वृत्ति को, वातावरण को, अनेक आत्माओं की वृत्तियों को भी हम शुद्ध करने लगते हैं, पवित्र करने लगते हैं। बाबा तो कितने बार मुरली में ऐसे भी कहा है कि मेरे सबसे सहयोगी बच्चे वो हैं जो योगी बच्चे हैं, है ना, उन्हों की योग की शक्ति से विश्व की आत्माओं का कल्याण होता है ना, सिर्फ विश्व की आत्माएं ही नहीं लेकिन हम इस संपूर्ण प्रकृति को भी प्योर शुद्ध बनाने लगते हैं, उनको भी सहयोग देने भी हम सुख देने लगते हैं। चाहे पांच प्रकृति अगर हम देखें, चाहे वो पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, आकाश हो, है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, इन पांच प्रकृति के तत्व को भी हम शुद्ध करने लगते हैं, पावन करने लगते हैं, किससे, बाबा की याद की शक्तियों से। और जितना ही हम प्रकृति को दे रहे हैं, जितना ही सुंदर वाइब्रेशन हम प्रकृति को देते हैं, रिटर्न में भी प्रकृति हमारी सहयोगी बननी शुरू हो जाती है। हमें हमारे जीवन का अनुभव याद आता है कि बाबा तो बहुत तरीके की विभिन्न योग की विधियां है ना क्रियाएं या क्वालिटी, या कहते हैं कि वैरायटी योग रमणीकता से करो, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमें रोज रटना है या याद करना या उसी में टिकना है, उसी है ना उसी ढर्रे पे रहना, लेकिन वैरायटी, जितना हम वैरायटी रखते हैं, योग करने की विधियां रखते हैं, रमणीकता रखते हैं, उतना ही मन से हम बाबा से अच्छे से कनेक्ट होते हैं और वो फीलिंग को हम फील करने लगते हैं। तो जितना हम प्रकृति के प्रति डेडिकेटेड हैं या प्रकृति को योग की
योग से सकाश दे रहे हैं सुख का, शांति का, पवित्रता का, उतनी ही प्रकृति भी हमारे प्रति सहयोगी बन जाती है। आप फर्ज करो आप अपने घर से सेंटर जा रहे हो, मौसम एकदम से है ना खराब है, बारिश लग रही अभी होगी या अभी बस होने ही वाली है, और क्लास का टाइम भी हुए जा रहा है, फिर भी आप हिम्मत करके निकलते हो, बाबा को कह के निकलते हो, प्रकृति को कह के निकलते हो कि जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे तब तक बारिश ना हो। तो आप सबको, मेरे को लगता है आप सबको भी अनुभव होगा, तब तक प्रकृति भी आपका इंतजार करती है कि जब भी आप अपने डेस्टिनेशन पे अपने है ना, चाहे वो सेंटर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या कहाँ भी जा रहे हो, वहां तक जब तक आप नहीं पहुंचते तब तक बारिश नहीं होती है, या मौसम अत्यधिक गर्मी का है तो उतनी धूप भी हमें फील नहीं होती। ये सब तो हम सबका हम काफी अनुभव है, एकदम यूज टू है कि बहुत प्रकृति आज भी इस संगम युग के समय में भी बहुत सहयोगी हमारी बनती जाती है। ये जो सेवा है हमारी है ना, निस्वार्थ सेवा, जितना ही हम निस्वार्थ सेवा करते हैं हम उतना ही महिमा योग्य बनते हैं। महिमा योग्य बनने के साथ साथ माननीय भी बनने लगते हैं, माना हर कोई की पसंद बनने लगते हैं, एप्रिशिएशन हमें मिलनी शुरू हो जाती है। ये भी हमारा बहुत सुंदर भाग्य है कि बाबा ने हमें ऐसा चांस दिया कि महिमा योग्य है ना। आप कोई भी सेवा किए, आपकी कामना नहीं थी लेकिन लोगों को उस सेवा से इतनी संतुष्टि मिली, इतना सुख मिला कि सभी ने उनसे एप्रिशिएट किया है ना। और जिसको फिर है ना, आप देखो एप्रिशिएशन के बाद फिर कभी भी सेवा हुई इस तरीके की तो सर्वप्रथम आपको ही याद किया जाएगा है ना। ये भी हमने चांस हमेशा के लिए अपने लिए जमा कर लिया कि कभी भी सेवा होगी तो फर्स्ट लिस्ट में आपके नाम को प्रायोरिटी मिलेगी कि फलाने ने पिछले बार इतनी सुंदर सेवा करके भी क्यों ना इस बार भी उन्हें अपॉइंट किया जाए या ये अपॉर्चुनिटी उनको दी जाए है ना। ऐसा तो बहुत सारा उदाहरण है हमारी है ना, कविता दीदी का भी एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आप सबने तो कविता दीदी की क्लास सुनी ही है, मिले भी हैं कि दीदी तो ऐसे सेंटर पे थे, ग्रुप लेके जब मधुबन आए तो जब उन्हें सेवा का चांस मिला, दादियों की सेवा का, तो ऐसे तो राजी नहीं थे लेकिन उन्हों की विशेषता को देखकर दादियों ने उनको रखा, उनको राजी किया। फिर पहले तो है ना त्रिमूर्ति दादियों की उन्होंने सेवा की, त्रिमूर्ति दादियों में सर्वप्रथम मनोहर इंदिरा दादी जी की सेवा की, और उस सेवा को देखकर हमारी बड़ी दादी या उनके साथी दीदियां जो थी उनको इतनी है ना, इतनी उनको दादी ने ही उनको बताया कि यह हमारी बालकी जो है बहुत अच्छी सेवा करती है, बहुत प्यार से करती है, समय पे करती है। जब उनकी महिमा हुई तो हर एक ने उनको चाहा कि मैं भी रखूं, मैं भी देखूं कैसा सेवा करती है। तो वो चांस उनको कितना बड़ा मिला कि उनको बड़ी दादी हमारी प्रकाशमणि दादी जी की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ, और उस सुअवसर में है ना जब उन्होंने की सेवा हर एक को पसंद आई तो फिर हमारी तीसरी दादी, दादी ईशु जी की सेवा हमें मिली, माना कविता दीदी जी को मिली है ना। कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा हमारा जीवन जो एक कहीं ना कहीं ब्राह्मण बनने के बाद इस सेवा से जो आगे बढ़ रहा है, जो हम दुआएं कमा रहे हैं, कितनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है उस सेवा से। वो सेवा कोई एक सीमित दायरे की सेवा नहीं है, बाबा के यज्ञ की सेवा, वो सेवा एक बेहद की सेवा कहलाती है, वो बेहद का दायरा रखती है। देखिए ऐसे तो लगेगा कि हाँ हमारी है
है ना, हम दादी जी की सेवा कर रहे हैं, दादी जी के अंग संग हैं, लेकिन दादी जी के अंग संग के बावजूद भी दादी जो सेवा कर रहे हैं वो पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं, उनको संतुष्ट कर रहे हैं, उन आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं, उनका जो भाग्य है, उनका जो सुख है, उनकी जो दुआएं हैं वो दादी को तो मिल ही रही है, लेकिन दादी की सेवा के जो हम निमित्त बने या बाबा ने जो निमित्त बनाया वो भाग्य, वो सेवा का धुआं, वो हमें भी कहीं ना कहीं एवजा उसका भी हमको प्राप्त जरूर होता है ना, कितना सुंदर भाग्य हमको मिलता है। आप देखिए, हम सभी सेंटर जाते हैं, सेंटर पे जो जो एक अच्छी सुव्यवस्था जो हमें मिलती है, उस सुव्यवस्था में हम जितना सुंदर ज्ञान योग या मुरली है ना जो हम श्रवण करते हैं सुनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें कितना है ना आंतरिक सुख देती है, आत्मा को सुख देती है, आत्मा को संतुष्ट करती है। तो उस सुव्यवस्था को बनाए रखने में, उस व्यवस्था को बनाए रखने में जितनी भी आत्माओं का कंट्रीब्यूशन होता है, उन सब का भाग्य जमा होना शुरू हो जाता है। ये कितना सुंदर हमारा भाग्य बनता है। अगर आप देखो, उसी सेवा के अवसर में, उस टीम में अगर हमें चांस मिला और हमने किसी कारण अगर ना कर दी, तो कहीं ना कहीं हम अपने उस सुंदर भाग्य से खुद को वंचित कर देते हैं। हम चाहते तो कर लेते, मार्जिन था, अगर हम समय को मैनेज करते तो हम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, तो ये हमारा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य हो गया। दुर्भाग्य क्यों कहा जा रहा, क्योंकि ये जो संगम युग का जो इतना सुहावना जो समय चल रहा है, जो बाबा कह रहे हैं कि ये जो हम कोई भी श्रेष्ठ कर्म या जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये आत्मा में नोंद होता जा रहा है, तो जो एक बार हमने नोंद कर लिया वो सदा के लिए नोंद हो गया, यानी 5,000 वर्ष के इस ड्रामा चक्र में अगर हमने भाग्य बनाने के सु अवसर में हाजी का पार्ट प्ले किया, तो हम सदैव के लिए पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाते हैं। अगर अगर उसी के विपरीत अगर हमने किसी कारण नहीं बोला, तो वो फिर हम हमेशा के लिए उस भाग्य से वंचित भी हो जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है कि अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में उतरने से पहले हम पहले ये चेक कर लें कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रीमत प्रमाण हो रहा है, क्योंकि एक बार का कर्म किया हुआ वो फिर भविष्य भाग्य हमारा उस प्रमाण जमा होगा या नोंद हो जाएगा, जो कल्प कल्पांतर रिपीट होगा, फिर उस कर्म को, उस समय को, उस सिचुएशन को हम चाहकर भी परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। तो अब जो समय है वो बहुत अमूल्य और बहुत गहरा समय चल रहा है, बहुत ही वैल्यूबल समय है ये समय, है ना। ये समय तो ऐसे बहुत थोड़ा है, थोड़े में भी थोड़ा है, लेकिन इस समय की वैल्यू को समझकर जितना ही हम श्वासों श्वास सफल कर रहे हैं, उतना हमारा भाग्य जमा होता है। बाबा देखिए, हमारा मुरली में भी कितने बार उदाहरण देता है दधीचि ऋषि का, है ना। दधीचि ऋषि क्यों फेमस थे शास्त्रों में, दधीचि ऋषि का जो मिसाल भी बाबा जो मुरली में देते हैं कि उन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अपनी हड्डी को भी उन्होंने दान दे दिया, लेकिन यहाँ पे हड्डी दान देने की बात नहीं है, लेकिन इस यज्ञ में हड्डी सेवा करके हम देह भान से मुक्त होकर बाकी हम जन्म जन्मांतर के भाग्य को जमा कर लेते हैं। दधीचि ऋषि मिसल,
हम अपने यज्ञ में, अपना यज्ञ है, हमारा यज्ञ है, हमारा बाबा है ना, हमारा परिवार है, इस यज्ञ में अगर हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम हड्डी से, अपने दिल से, जिगर से सेवा करते हैं तो पद्मा पदम भाग्य हमारा बन जाता है, क्योंकि जितना हम डेडिकेशन से करते हैं बाबा भी हमारे लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उतना ही डेडिकेटेड हो जाता है। बस हमें खुद देखना है कि हम अपने इस जीवन में प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं या कुछ अपने पर्सनल चीजों को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमें प्राप्त होना है, जो करेगा सो पाएगा, है ना, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा, करेगा तो पाएगा। ये बहुत सुंदर गहरी बात है ना। इसमें कई बार सेवाओं में क्या होता है कि सेवा हम कर रहे हैं, है ना, तो सेवा में सबसे मेन महत्वपूर्ण पॉइंट एक और भी ध्यान में आती है कि सेवा का बैलेंस भी हमें रखना बहुत जरूरी है। स्व सेवा और यज्ञ सेवा, इन दो बातों का बैलेंस हमें जरूर रखना है। हमें कहीं ना कहीं, है ना, यज्ञ सेवा में इतना भी इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि हम स्व की सेवा करना ही भूल जाएं। नहीं तो क्या होता है कि हम यज्ञ सेवा में, हम जब यूथ होते हैं ना, कि यज्ञ सेवा में वो एनर्जी है, वो जोश है, वो उमंग उत्साह है, तो हम यज्ञ सेवा में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम स्व की सेवा करना ही भूल जाते हैं। क्योंकि स्व की सेवा माना बाबा की याद में पहले खुद को चार्ज करना, खुद को एनर्जेट करना, खुद को एनर्जेटिक करना। जब हम खुद को एनर्जेटिक करते हैं तब हम यज्ञ सेवा भी भरपूरता से, अच्छे से, दिल से कर पाते हैं। अगर यहाँ स्व सेवा की कमी है और हम यज्ञ सेवा में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या यज्ञ सेवा का पलड़ा ज्यादा भारी है, तो एक समय एक ऐसा आता है जहाँ हम मेंटली और फिजिकली क्या होते हैं, टायर्ड होने लगते हैं, थकना शुरू हो जाता है, और थकने के बाद हमारा मन उदास होने लगता है, मूंझने लगता है, फिर हम, है ना, फीलिंग में आना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। फीलिंग क्या होती है, हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन हमने, हमें किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, हमें किसी ने बैठने को नहीं पूछा, हमें किसी ने टोली नहीं दी, और जब इसी के, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जितना ही हम स्व सेवा भी कर रहे हैं, यानी स्व सेवा और यज्ञ सेवा का जितना सुंदर हम बैलेंस बना के रख रहे हैं, तो स्व सेवा से हमारा मन और आत्मा जितना एनर्जेटिक होगी, जितना भरपूर होगी, तो हमें किसी भी कामनाओं की महसूसता या इच्छा नहीं होगी, और हम खुले दिल से हम सेवा करेंगे। फीलिंग ही नहीं आएगी कि हमें टोली की जरूरत है या कोई पूछे या कोई पानी पूछे, कोई हमारी महिमा करे, तो निस्वार्थ सेवा। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर सेवा में अगर हम कोई कामना रखकर सेवा कर रहे हैं तो हम कच्चा फल अभी ही खा लिया, उसका जो हमें मिलना था भाग्य वो हमने अभी ही खाकर प्राप्त करके कंप्लीट कर दिया, अब उसका भविष्य भाग्य जमा नहीं होगा क्योंकि हमने अभी ही उस फल को चख लिया है। कहते हैं ना कि एक हाथ से दान करो या दाएं हाथ से दान करो तो बायां को भी पता ना चले, है ना, तो वो दान का महत्व होता है। अगर हम दान करके खूब डुगडुगी पीट दें, माना विस्तार कर दें, सबको बता दें, उसको फैला दें सब जगह, तो वो क्या होगा, उसकी जो महिमा मिली, उसका जो एप्रिसिएशन मिला, जो हमारी पूछ हुई, हमने उसका तुरंत वर्तमान प्रत्यक्ष फल चखकर खाकर उसको कंप्लीट कर लिया,
वो अब भविष्य भाग्य जमा होने वाला नहीं है। प्रेरणा देना, प्रेरणा स्रोत बनना वो अलग बात है, लेकिन अगर हम किसी कामना से कर रहे हैं कि मेरा मेरे को लोग देखेंगे, मेरा भाग्य बनेगा, यहाँ एक बहुत गहरी बात है हम सबको महीनता से समझने की, प्रैक्टिकल बात है ना। देखिए, भोजन बनाने की अगर हमें सेवा मिलती है बाबा के घर में, है ना, हम बहुत अच्छे से प्यार से भोजन बनाए, कुछ खास वीआईपी गेस्ट आए हुए थे जिन्हों को, है ना, सर्व करना था, तो कईयों का ख्याल चलता है भोजन हम बनाए, सर्व कोई और कर रहा है, नाम उनका होगा, हम तो छिपे रह गए, है ना। कईयों की, कईयों में कभी कभी ये एक नेचर देखने में आता है कि सेवा जो होती है, हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाने की, जताने की, या उनके आगे आगे पीछे होने की भी सेवा लोग करते हैं, कि जैसे कि उनकी महिमा हो, उनको लोग देखें, उनकी, है ना, उनसे उनको दृष्टि मिले, तो ये भी क्या है, ये कामना है कि हमें हमें एप्रिशिएशन मिले, हमें लोग देखें, हमारी बड़ाई करें, हमारी महिमा करें, हमारे जैसा तो और कोई सेवाधारी है ही नहीं, हम ही आगे पीछे दौड़ भाग करें, जरूरत नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं, जबरदस्ती का कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा भाग्य जमा नहीं होने वाला है। जितना ही हम गुप्त रहते हैं, है ना, गुप्त कौन होता है, वैल्यूएबल चीज। आप देखो अपने घर में हर चीज को शो में नहीं रखते हो, जो वैल्यूएबल चीज होती है वो आपके वार्डरोब में अलग से शेल्फ में अंदर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ज्वेलरी अगर हम देखें, है ना, कोई भी कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, एक्सपेंसिव चीज है, बहुत कॉस्टली है, आप उसको बहुत जतन से, कायदे से उसको सेफली रखते हो, उसको आप एक शो में नहीं रखते हो, घर में कहीं भी इधर उधर रखा हुआ नहीं मिलेगा, नहीं तो वो मिस होने की पूरी पूरी उसकी संभावना होती है ना। तो बाबा के हम सब क्या है, वो बहुत प्रीशियस हम आत्माएं हैं, बहुत वैल्यूएबल आत्माएं हैं, जो बाबा हमें अपने दिल की तिजोरी में रखता है, कि माया की नजर से हम बच जाएं, माया की नजर हम पे ना पड़े। लेकिन हम अपने अल्प बुद्धि के कारण, है ना, थोड़ी बुद्धि के कारण, हद की बुद्धि के कारण, अल्प ज्ञान होने के कारण, हम अपने आप में क्या करते हैं, व्यर्थ की चिंतन में आ जाते हैं कि मेरे को तो कोई देख नहीं रहा, मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा, मेरे को कोई चेयर नहीं दे रहा बैठने के लिए, मेरे को कोई पानी नहीं पूछा, मैं इतनी देर से सेवा कर रहा हूँ, करके मैं चला भी जाऊंगा तो भी किसी को कोई फर्क ही नहीं लगता, ये सब जो हमारे व्यर्थ के ख्याल चल रहे हैं, या फीलिंग की फ्लू जो लग रही है, ये हमारे मन को उदास करने लगती है, परेशान करने लगती है। यहाँ हमें अपने आप में बहुत सकारात्मक होना होता है कि बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। हम अपने घर में सेवा करते हैं तो क्या हम दिखाकर सेवा करते हैं क्या, कि कोई देखे, कोई कहे तो हम सेवा करेंगे, तो हम अपने घर को व्यवस्थित करेंगे या सुसज्जित करेंगे या स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे? नहीं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो आत्मा की जो पसंद है या जो क्वालिटी है हमारी, हमारी जो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी, हम उस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल बनाते हैं जितना बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई महिमा करे या ना करे, लेकिन हमें वो अपनी लाइफस्टाइल वैसी पसंद है। ऐसे बाबा के यज्ञ में हम कोई भी सेवा कर रहे हैं तो हम महिमा के भूखे नहीं हैं, बाबा की नजर में आ गए, बाबा ने वो सौभाग्य चांस दे दिया, ये हमारे लिए अहो सौभाग्य है। और अच्छा ही है लोगों की नजरों से बचे हैं,
लोगों की नजरों से बचना माना माया की नजर से बच जाना, क्योंकि जितना हम माया की नजर में आएंगे विघ्न उतने ही आने शुरू हो जाते हैं। जितना ही हम गुप्त हैं भविष्य भाग्य उतना ही ऊंचा और श्रेष्ठ बनता है। यहाँ जितनी ही हमारी महिमा होगी, जितना ही हमें सम्मान हम लेंगे प्राप्त करेंगे, उतना ही वहां हमारा भाग्य शॉर्ट होता जाता है ना? कितना बाबा हमें रोज ऐसे अगर देखा जाए मुरली सुनाकर हमको भरपूर कर रहे हैं, है ना? और क्या सुनेंगे? ये जो सेवा है अगर हम देखें, ये हमारा कहीं ना कहीं धर्म है। ब्राह्मण जीवन का ये सेवा धर्म है। कहते हैं ना, धरत पड़िए लेकिन धर्म ना छोड़िए, धीरज रखिए लेकिन धर्म ना छोड़िए। हम बाबा के बहुत जिम्मेवार जवाबदार राइट हैंड है। कोई भी अगर हमें जिम्मेवारी सेवा में मिलती है, यज्ञ की सेवा हो चाहे हमारे अपने लौकिक घर की सेवा हो, है ना? क्योंकि हर एक की सेवा के, है ना, हर एक सेवा के साथी हैं हम, एक टीम वर्क में है ना? वो एक ग्रुप है जिसमें हर एक आत्माओं का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और उस सेवा साथी के साथ सेवा देने में जितना हम नीति से विधि से अगर हम सेवा करते हैं, उतना ही हम अपना भी कल्याण करते हैं, औरों के आगे एग्जाम्पल भी बनते हैं। क्योंकि सेवा में, है ना, बहुत एक गहरी बात है ध्यान देने की कि हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए तो कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। आप फर्ज करो, सपोज दीदी ने हमें कोई सेवा दी, कोई चांस दिया, या कहीं बाहर ऑफिशियली बाहर से कोई सामान आना है या ले जाना है या किसी को पहुंचाना है। दीदी ने हमको बता दिया कि फलाने को, किसी भाई को, किसी बहन को ये मुरली ही पहुंचानी है ना? मुरली का सेट या टोली ही देना है आपको, इतने बजे तक या शाम तक आप दे के आ जाना। आप फर्ज खुद, आपके आगे अचानक से कोई एक जरूरी काम आ गया, आप उस कार्य में व्यस्त हो गए, इन्वॉल्व हो गए और आपके ख्याल से उतरने लगा, लास्ट है ना काम आ गया, या आपको लगता है कि हम इस काम में इतने व्यस्त हो जाएंगे शायद हम नहीं जा पाएंगे, या आपको एक संभावना लगती है हो सकता है हम चले भी जाएं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हमारे साथ होती है। अगर हमें लग रहा है अगर हम नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने दीदी को कोऑर्डिनेट करके, बात करके उनको अपनी बातें, अपनी परिस्थिति को, स्थिति को क्लियर कर लीजिए, ताकि आपके द्वारा जो सेवा थी वो किसी और के माध्यम से होके वो व्यक्ति को पहुंच जाए, कहीं वो वंचित ना रह जाए। कहीं आपने वो सेवा तो ली और आपने उसको समय पे नहीं किया, तो कितनों का संकल्प चल रहा होगा। हमने मुरली का उदाहरण दिया, आपको मुरली की सेवा दी गई कि आपको फलाने जगह पे मुरली पहुंचानी है, और आपने कहा हाँ जी हम पहुंचा देंगे, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं पहुंचा पाए। वहां आपकी अपनी जो निमित्त दीदी है उनकी भी संकल्प चलेंगे, आप क्यों नहीं पहुंचाए, क्या कारण था, या जहां पहुंचने वाली थी उसको भी पता था कि फलाने के द्वारा हमें मुरली मिलने वाली है लेकिन आपने नहीं दी, तो उसका भी संकल्प चल रहा होता है। अब वो जो मुरली औरों को सुननी थी, एक संगठन में सुनानी थी, वो संगठन में भी वो मुरली समय पे नहीं पहुंची, तो उन आत्माओं का भी ख्याल चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो ख्याल चल रहे, ये जो चिंतन या जो संकल्प चल रहे, ये कहीं ना कहीं हमारे स्थिति को, अवस्था को और भी ज्यादा बोझिल कर देता है। तो कोई भी अगर हम सेवा की जिम्मेवारी लेते हैं, उसको बहुत ही जिम्मेवारी से, जवाबदारी से पूरा करना है।
और करके उसको जरूर हमें उनको इंटीमेट कर देना है, कंफर्म भी कर देना। ऐसा नहीं हमने दे दिया और हम अपने कार्य में मशगूल हो गए, अब सामने वाले को भी ख्याल चलेगा उसने दिया नहीं दिया, है ना, या जिसको प्राप्त हुआ उसको भी कोऑर्डिनेट करना होता है ना। जितना अच्छा हम अंडरस्टैंडिंग के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं, हम हर तरीके की व्यर्थ बातों से, व्यर्थ के ख्यालातों से बिल्कुल मुक्त होने लगते हैं। दुआएं, है ना, सहज हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। हमारा जीवन बहुत ही सहज तरीके से, सरल रीति से चलना शुरू हो जाता है। ये जो है ना हमारा जो जीवन है, इस जीवन में है ना जो बाबा जो हमें सेवा दे रहे हैं ना, इसमें हम सर्टिफिकेट की बात तो कही है कि हम सर्टिफिकेट बाबा से हमें वरदान मिलने लगता है। कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, हमें बाबा वरदानों से भरपूर करने लगते हैं, विशेषताओं से भरपूर करने लगते हैं। वो जीवन हमारा और भी ज्यादा रमणीक हो जाता है, एग्जाम्पल हम बनने लगते हैं, लोगों के आगे प्रेरणा स्रोत बनने लगते हैं कि सेवा होती है या सेवा ऐसी करनी होती, इस तरीके से करनी होती है। देखिए हमारे आगे जो हमारी दादियां हैं वो बहुत सुंदर उदाहरण है। शुरू शुरू में जब ये यज्ञ का विस्तार हो रहा था, साधन नहीं थे लेकिन साधना थी, और उस साधना से जो सेवाओं का विस्तार हुआ, तो आज हमारी सभी दादियां महिमा योग्य बन गई, पूजनीय बन गई, वंदनीय बन गई। और जितना ही हम साधनों के आधार से सेवा करते हैं, तो साधनों के आधार से तो हमने सेवा कर ली, लेकिन उन साधनों को कलेक्ट करने में जितनी भी आत्माओं का कंट्रीब्यूशन हुआ, वो सेवा का एवजा उनको भी प्राप्त, या वो दुआओं का, जो दुआएं मिली वो दुआओं का हर एक को, वो उनके भी हिस्से में वो दुआएं जमा होनी शुरू हो जाती हैं। कहने का भाव ये है कि हमें साधनों पे डिपेंड नहीं होना है, कि जब हमें साधन मिलेंगे तो ही हम सेवा कर सकेंगे, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ दादियां हैं, जो हमारे आगे प्रत्यक्ष उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, उस समय संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थी, लेकिन साधना इतनी अच्छी थी, बाबा की याद इतनी अच्छी थी, दिल में चाहना थी, उस साधना से, उस शक्ति से, उस तपस्या के बल से जो उन्होंने सेवा की, उन्होंने कितनी आत्माओं का भाग्योदय कर दिया, भाग्य बना दिया, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, कितनों का कल्याण कर दिया, जो आज हमारे आगे वंदनीय है, पूजनीय है, जो भविष्य बाबा भी उनके लिए बंध गया, भविष्य जो सतयुगी राज्य जो प्राप्त होना है, वो हमें ऊंचा घराना, ऊंचा भाग्य हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हम अपनी दादी इशु दादी जी का भी उदाहरण देखें, दादी की विशेषताएं जो भी हैं, है ना, सबसे सर्वप्रथम जो दादी जी में विशेष देखने में आती है कि दादी जी है ना गंभीरता की मूर्ति थी, अंतर्मुखी थी, है ना, एकांतवासी थी। बाबा ने इस विशेषताओं का इतना सुंदर यज्ञ में यूज किया कि दादी जी को है ना 6 डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी मिल गई, है ना, 1-2 डिपार्टमेंट नहीं लेकिन 6 डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी मिलने के साथ साथ, है ना, सबसे जो है ना कॉन्फिडेंशियल जो सेवा होती है यज्ञ की, अगर हम देखें इकोनॉमिक धन की जो सेवा होती है, और साथ साथ मुरली की जो कॉन्फिडेंशियल दो सेवा, मुरली के साथ साथ पत्र का व्यवहार, है ना, पत्र का आदान प्रदान, पत्र व्यवहार करना, इतनी महत्वपूर्ण सेवा में बाबा ने उन्हें अपना सेवा साथी बनाया, कितनी बड़ी बात होगी। कोई भी बात हुई संगठन में, किसका भी किस तरीके का पत्र आया,
लेकिन किसी की बात इधर से उधर नहीं हुई। वो व्यक्ति कैसा भी, उसके सामने भी बैठा है, उसकी कोई चर्चा भी हुई है, लेकिन दादी कभी भी ऐसा फील नहीं कराती थी कि आपके बारे में ही अभी बात चल रही थी, आपने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, इस तरीके का आपने श्रीमत के विरुद्ध कार्य किया, आप ऐसा नहीं। दादी कभी अपना पर्सनल व्यू नहीं रखती, जो बाबा कहता है वही सर्वमान्य है। दादी की विशेषता तो ऐसे बहुत सारी है, आप सभी ने सुनी भी है, लेकिन दादी अंत तक सिर्फ बाबा बाबा और बाबा, बाबा की सेवा, खुद का भी उनको भान नहीं रहता था, है ना। हम सभी देखते हैं, मेरी खुद की भी देखी हुई है, हम भी दादी के साथ आज लगभग 14 से हम जुड़े थे, मना जुड़े तो थे शुरू से ही, बचपन से ही मधुबन आना जाना था, लेकिन जो हम एक जो सानिध्य था, जो हम पर्सनली जो दादी जी से महसूस किए, अनुभव किए कि दादी बाबा को और सेवा को बहुत प्रायोरिटी दिए। जो बाबा ने दादी को कार्य सौंपा है वो पहले नंबर पे रहता था। भोजन हमें बाद में करना है, नींद बाद में करनी है, और कोई कार्य बाद में करना है, लेकिन पहले बाबा की सेवा। समय पे ऑफिस जाना है, समय पे ऑफिस का कारोबार संभालना है, कोई भी लेन देन हुआ है, कोई भी आवक आई है, पहले बाबा के ऑफिस में जाकर जमा करना है, इन्फॉर्म करना है, उसको मेंटेन करना है ना। भोजन बाद में पीछे खा लेंगे, है ना, पीछे होगा सब, लेकिन पहले बाबा ने जो हमें जिम्मेवारी दी है उसको अच्छी तरीके से निभानी है। इतना सुंदर दादी जी का कोऑर्डिनेशन रहा कि आज तक भी हर एक उनको याद करता है। ना अगर, है ना, देखते थे दादी जी के कॉटेज में बहुत सारे मिलने वाले आते थे कि दादियों की एक दृष्टि मात्र से ही हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो जो जीवन है, जो बाबा के साकार, बाबा के अंग संग रहा, वो दृष्टि, वो वरदानी हस्त भी हमारे सिर पे आ जाए, या वो दृष्टि ही मिल जाए, तो हमारा भाग्य बन जाए, जन्म जन्मांतर के जो विघ्न है, पाप कर्म है ना, वो खत्म हो जाए, जो हमारे जीवन में जो परिस्थिति है, विघ्न संकट जो आ रहे हैं, वो भी शायद टल जाते हैं इन महान देवियों के दर्शन मात्र से। पर दादियों की जो तपस्या रही है, अपने जो अपना पुरुषार्थ रहा है, वो बहुत ऊंचा बाबा की श्रीमत के प्रमाण रहा है। बाबा ने जो कहा है हमें वही करना है, उसके ना हमें आगे सोचना है ना पीछे सोचना, ना ज्यादा हमें मनमत लगानी है और ना पदमत में चलना है। तो दादी जी जब ही, है ना, भोजन का समय हो गया, भोजन कर रहे हैं, अगर डोरबेल बज जाती थी तो दादी तुरंत कहती थी देखो कौन आया है, अगर मालूम चल जाए मिलने वाला आया है तो दादी तुरंत कहती थी अभी भोजन बाद में करेंगी, पहले उसको बुलाओ, वो कुछ सफल करेगा यज्ञ में, उसको हमें इंतजार नहीं कराना है। ऐसे दादी कहकर नहीं खाती थी, और जब तक मिल ना लेते थे तब तक दादी को अच्छा नहीं लगता था कि वो बाबा के घर में आया, अपना समय लेके आया है, हमें अपने पर्सनल कार्य के कारण उसको वेट कराएं, इंतजार कराएं, ये अच्छी बात नहीं है। इतना दादी जी हमारी हर बातों का ध्यान रखती थी, और बहुत एक्यूरेट और एक्यूरेसी से। फर्ज करी किसी ने बाबा के यज्ञ में सफल करने के लिए चेक दिया, तो चेक दिया तो ऐसे नहीं कि दादी ने चेक देखा और रख लिया, लेकिन चेक में प्रॉपर सभी चीजें अच्छे से भरी हुई हैं, कुछ मिस तो नहीं है, जो हमारे यज्ञ का जो नियम है, साइन होनी चाहिए या पीछे नंबर होना चाहिए या नाम होना चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से है या नहीं, कहाँ कोई मिस्टेक है, तो दादी जी देखकर उसको खास अटेंशन भी दिलाते थे कि बहन या भाई आपने ये चीज नहीं लिखा है, ये भरा नहीं है, ये आप भर दीजिए। इतना तक दादी जी हमको ध्यान कराते थे।
पहले हम सभी बहुत अच्छे से सहज रीति से है ना अपने आप को कंफर्टेबली बैठ जाएं, या उसके पहले थोड़ा सा अपने आप को उठाकर फ्लेक्सिबल हो जाएं, थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लें, क्योंकि काफी देर से आप लोग 1 घंटे से लगातार कंटिन्यूअस बैठे हैं, तो किसी को भी अपना पोज चेंज करना है, थोड़ा सा उठना है, थोड़ा सा 2 4 कदम भी बढ़ाने हैं, चलने हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए आप सभी, अपने हाथ उठा लीजिए, अपने हाथों को थोड़ा सा है ना अप एंड डाउन कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, है ना, अपनी जैसे भी आप सबको कंफर्टेबल लगे तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए, फिर कंफर्टेबली हर सभी बैठ जाइए। ओके, तो हम सभी उस प्राण प्यारे बाबा की याद में उसको महसूस करते हुए अपने मन को शांत करते हुए उसकी याद में टिकाते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हुए, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान सर्वशक्तिवान बाबा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बहुत गहरी फीलिंग हम करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उन सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। एक बहुत सुंदर हम एक विजुलाइजेशन लेंगे जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सूर्य की जो धूप हमारे पे पड़ती है, हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक उसी प्रमाण उस सर्वशक्तिवान की किरणों से हमारी आत्मा शीतलता का अनुभव कर रही है। मुझ आत्मा में सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता कि ये जो रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रही है। ये शक्तियां हमारे विचारों को
हमारी संस्कारों को हमारी स्वभाव को श्रेष्ठ बना रही है। जितना ही हमारा विचार स्वभाव संस्कार श्रेष्ठ बन रहा है, आत्मा के जीवन में बहुत सुंदर बदलाव महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व में इस सुंदर श्रेष्ठ परिवर्तन को देख संतुष्ट हो रही। हमारा हर एक व्यवहार, हर एक कर्म श्रेष्ठ बनता जा रहा है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो हमें भगवान से मिला दिया। उसकी श्रेष्ठ सुंदर पालना को हम महसूस कर रहे हैं। हम उस पालना में पल रहे हैं। शिव बाबा का कितना शुक्रिया करूं
बाबा ने हमें अपना बनाकर। हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य को पद्मा पद्म भाग्य में परिवर्तित कर दिया। दिल से हम अपने बाबा को शुक्रिया करेंगे। ओम शांति।